ये है आपके कवक, जिसे मशरूम के रूप से भी हम जानते हैं, छत्रक टाइप आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कवक के अंदर क्या न्यूट्रिशन लेना है कवक को, तो ये जो भी चीज़ पे बैठेगा वहाँ पे कुछ केमिकल से रिलीज करेगा, केमिकल छोड़ेगा, केमिकल छोड़ते ही देखो केमिकल छोड़ दिया, सारी चीज़ें क्या है कि द्रव के रूप में बन जाएगी और फिर ये दोबारा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा न्यूट्रिशन को। देखो रेड कलर में इसने दोबारा खींच लिया सारा। और ये कवक की आपको कुछ फोटोज़ दिख रही है, सारे कवक है छत्रक के रूप में, मशरूम है जो हम खाते पीते भी हैं। अब कवक क्या चीज़ों को सड़ाना गराना शुरू करता है, जैसे कि टमाटर को आप देख रहे हो सड़ते हुए, कवक बैठ गया इसके ऊपर, तो ये भी कवक है देखो फ्रूट्स के ऊपर, पपीता है ये पाइपा, फिर ये देखो टमाटर है, सेब है, ये मशरूम है बेटा। ये क्या होता है कि भोजन के रूप में हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, इस मशरूम को मार्केट से परचेज भी करते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी रोटियाँ सड़ाते हैं, जैसे देखो ये ब्रेड सड़ रहा है, जितने भी ब्रेड है मशरूम जो कवक है फंगाई वो इसको सड़ा रही है गरा रही है। देखो अब है आपके लाइकेन का एग्जांपल, इसमें देखो कवक भी दिख रहा है आपको, शैवाल भी दिख रहा है पेड़ की छाल पे, दोनों प्लांट है। देखो यहाँ पे आपको कवक और ये हरा कलर में क्या है आपको शैवाल, तो शैवाल और कवक दोनों मिलके क्या बना रहे हैं लाइकेन। जहाँ पे लाइकेन पाए जाते हैं वहाँ पे प्रदूषण की मात्रा क्या होती है कम होती है, ये इंडिकेटर होते हैं। ये देखो आपके कवक और लाइकेन, यानी कि आपको कवक और शैवाल का मिला जुला रूप लाइकेन के रूप में दिखाई देता है। ये पृथ्वी के 6% भाग को कवर करके चलते हैं। इसके अलावा आपके जहाँ भी आप देखोगे, जैसे कि पेड़ की छाल में या पत्तियों के ऊपर, इस तरीके से दिखाई आपको देगा। अब है आपके जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, अब है आपके ये छत्रक टाइप में जो सड़ी गड़ी स्थानों पे या जहाँ बरसात हुई है वहाँ पे ये उगता है, ये आपको लाइकेन के रूप में दिख रहा है। अब जैसे कि ब्रेड का एग्जांपल अभी आपको दिखाई देगा, जैसे ब्रेड है, अब ब्रेड के ऊपर क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में, सजीव के रूप में मॉइस्चर है, नमी आ गई, पानी गिर गया, तो यहाँ पे क्या होगा वही फफूंद बनेगी इस ब्रेड पे, और इस ब्रेड को क्या करेगी पूरे को ख़राब कर देगी, फफूंद का मतलब कवक बनेगा। तो ये फंगस भी दो टाइप के होते हैं, एक तो वो छोटे जो हमें दिखाई नहीं देते जो ब्रेड पर दिखाई नहीं देते, और एक वो जो बड़े जो देखो एग्जाम्पल में मैक्रो और माइक्रो, बड़े तो हमें दिखते हैं। ये भी आपके रॉक की साल्ट है, तो यहाँ पे आपके देख रहे हो आप लाइकेन का एग्जांपल। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, पर फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा रहा हूँ इन टॉपिक्स का, जिससे कि आपको पता रहे कि भाई सर क्या क्या बता रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि कीट बक्षी वनस्पति क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे कि कुछ वनस्पति किसका भक्षण करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, तो ये जब कीटों का भक्षण करते हैं तो कीटों को खाते क्यों हैं ये, क्योंकि इनको नाइट्रोजन की क्या होती है कमी होती है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं कीटों को खाते हैं और उनके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये किसकी कमी के चलते नाइट्रोजन यौगिकों के अभाव में ये काम करते हैं। इसका उदाहरण है आपके ड्रोसेरा है, बर्मानी कीट बक्षी है, वनस्पति रचना किसी फूल की तरह दिखाई देती है, देखो ये ड्रोसेरा बर्मानी। ठीक है, तो इनकी वृद्धि जमीन से लगभग सटकरी होती है, इसकी पत्तियां आकर्षक होती है, लाल होती है, इसके कोनों पर ये देखो ये किनारे देख रहे हो आप, ये जो किनारे हैं इनके कोनों पर महीन रेशेदार तंतु होते हैं, इन तंतुओं पर कीटों को आकर्षित करने के लिए चिपचिपे द्रव की बूंदें होती है, ऐसे देखो जैसे बूंदें हैं ना ये। और सन 1737 में श्रीलंका में जोहान्स बर्मन नामक वैज्ञानिक ने इस वनस्पति की खोज की थी, इसलिए उनके सम्मान में इस वनस्पति का नाम रख दिया आपके ड्रोसेरा बर्मानी। ठीक है, तो ये हो गया आपके कीट बक्षी इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक, इसके बाद में नया टॉपिक है आपके स्पैरोफाइट, स्पोरोफाइट्स जो टॉपिक है, मृतोपजीवी जीव, सजीवों के सड़े हुए मृत अवशेषों पर निर्भर रहने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं आपके मृतोपजीवी या आपको स्पोरोफाइटिक प्लांट्स। ठीक है, जैसे ये कुकरमुत्ता है यानी पत्थर पे, आपके फपूंद है, कवक है, खमीर यीस्ट है, ये मृत अवशेषों पर जीवित रहने वाली वनस्पति है। ठीक, तो इसके लिए जैसे फपूंद इसका विघटन कर देती है, जो मरे हुए हैं जैसे कि मृत अवशेषों पर गिरने वाले फपूंद के पाचक रस, ये फपूंद क्या करती है पाचक रसों को गिराती है और इन अवशेषों को कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देती है। फपूंद इस विघटन से तैयार हुए जो द्रव बनता है उस द्रव परजीवी वाला है आपके परपोषी या परजीवी, ये हेटरोट्रॉपिक प्लांट होते हैं आपके, परपोषी वनस्पति में पर्णहरित नहीं होता, जैसे आपके
अमर बेल में नहीं होता। ये आपको एग्जांपल दिखा रखा है, देखो अमर बेल का। पीले रंग की लिपटी हुई रसीनुमा वनस्पति जिसके पत्ते नहीं होते, तो ये आपके क्या हो गए, परजीवी या पैरासाइटिक। फिर है आपके सहजीवी जीवन, दो या दो से अधिक सजीवों के साथ रहने से पोषण संरक्षण परस्पर आधार पर मिलता है, यानी कि वो आपस में पोषण और संरक्षण के लिए आपस में मिलके रहते हैं। ऐसे पोषण को क्या कहते हैं, सहजीवी पोषण। कुछ वनस्पतियों की जड़ों पर फफूंदी यानी कवक की वृद्धि होती है और वनस्पति इस फफूंदी को पोषण तत्व उपलब्ध करवाती है। ठीक है, फफूंद इस वनस्पति की जड़ों को लवण पानी आदि उपलब्ध करवाती है। शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं, कवक और शैवाल के एक साथ रहने, एक स्थान पर रहने पानी पोषक तत्व उपलब्ध करवाते हैं, यानी कि कवक क्या करता है, शैवाल को रहने का स्थान देता है, पानी देता है, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में जो शैवाल है वो शैवाल कवक को क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करके और क्या देगा, अन्न, अन्न का मतलब इसको क्या देगा, भोजन देगा। ठीक है, तो ये सहसंबंध आप किसके रूप में देखते हो, लाइकेन के रूप में देखते हो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आपके जो आपके सहजीवी संबंध है वो मैं आपको सारे सारे बता चुका हूँ। तो इसमें यही वाले टॉपिक्स हैं आपके, जैसे कि स्वयंपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, परपोषी जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन मैं आपको समझा चुका हूँ, देखो वायुमंडल से CO2 प्राप्त करना है, ज़मीन से जल लेना है आपके, और प्रकाश ऊर्जा पर्णहरित की उपस्थिति में यानी प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन रही है आपके। ये रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रकाश संश्लेषण वाली, ये चित्र भी आप बना सकते हो। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम, जो मैंने आपको बताया था कि जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है, पहले वाली क्लास देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जाइलम का मतलब ये किसको अवशोषित करेगा, जल को। फ्लोएम का मतलब आपके ये किसको अवशोषित करेगा, जो बना हुआ भोजन उसको सब जगह पहुँचाएगा। ये देखो जल इस कलर से ऊपर जा रहा है, देखो जल देख रहे हो, जल ऊपर जा रहा पत्तियों में। अब पत्तियों में जो खाना बन रहा है वो देखो इस पिंक वाले कलर से नीचे आ रहा, खाना सब जगह जा रहा है। तो ये क्या है आपके फ्लोएम और ये क्या है आपके जाइलम, ये सारी व्यवस्था मैं आपको समझा चुका हूँ। एक चीज़ और है जो मैंने आपको बताई थी, एजोबैक्टर सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थानांतरण यानी स्त्रीकरण करते हैं आपके, रूपांतरण करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। तो इस क्लास के अंदर जो टॉपिक्स मैंने क्लियर करने हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक छोटा सा टॉपिक और है जो डायरेक्टली आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है आपके, जैसे कि पोषक तत्व है नाइट्रोजन। अब इसका कार्य क्या है, इसके अभाव में क्या क्या हो सकता है। पोषक तत्व है नाइट्रोजन, इसके कार्य ये है कि प्रोटीन का निर्माण करवाता है, पर्णहरित कोशिका द्रव इसमें महत्वपूर्ण घटक है इसका, फास्फोरस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, पोटेशियम उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक है, और रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए भी पोटेशियम आवश्यक है, जो पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं। मैग्नीशियम ये पर्णहरित को तैयार करता है, लोहा पर्णहरित को तैयार करता है, ये आपके मैग्नीज ये भी संप्रेषक पदार्थ है, यानी कि चीज़ों को इधर से उधर भेजने के लिए संप्रेषण होता है उसके लिए ज़रूरी है। जिंक ये भी संप्रेषक है, अगर इन सब की कमी हो जाए पादपों में तो कहीं पत्ती पीली पड़ जाएगी, कहीं उन वो सूखने लगेंगे पादप, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। सभी स्टूडेंट मृतोपजीवी का आप एग्जाम्पल देख रहे हो, कवक, कवक की वैरायटियां हैं, किस प्रकार से कवक चीज़ों को सड़ाता है गड़ाता है एंजाइम्स के द्वारा, फिर उसको खाता है। मृत जीवी परजीवी में क्या अंतर होता है, चारों में क्या अंतर है, आपके चार्ट्स के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है यहाँ पे। इसको आप पोज करो वीडियोस को और रोको और देखो एक एक चीज़ को, सर ने कहाँ क्या लिखा है। ये डायग्राम्स है कवक के आपके, पैरासाइटिक स्पोरोफाइटिक होलोजोइक, इनमें क्या अंतर होता है, किस प्रकार से ये मृतजीवी अपने भोजन को इंटेक करते हैं, अंदर लेते हैं चीज़ों को, एंजाइम्स के द्वारा क्या है द्रव अवस्था बदलते हैं उसको, फिर क्या करते हैं सक करते हैं, खाते हैं चीज़ों को, सड़ी गड़ी चीज़ों को। मृतजीवी का पूरा आपको डायग्राम्स के माध्यम से समझा रखा है, कवक किस प्रकार से कार्य करता है, ये मशरूम है आपके छत्रक, इस प्रकार से ये छत्रक लाइकेन के रूप में भी दिख रही है पेड़ के ऊपर, फिर ये छत्रक जिसको हम भोजन के रूप में भी खाते हैं, फिर छत्रक की वैरायटियाँ हैं बहुत सारी जो आपको एक साथ दिखाई देगी फ़ोटोज़ के अंदर। देखो आप ये एक ही फ़ोटो के अंदर बहुत सारे छत्रक दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रे के अंदर भी छत्रक हैं। फिर किस प्रकार से कवक हमारे भोजन को सड़ाता है गड़ाता है आप देख सकते हो, जैसे हमारे भोजन को सड़ाना शुरू कर दिया है तो ये एंजाइम छोड़ेगा, द्रव अवस्था में बदलेगा,
सड़ा गड़ा के हमारी चीज़ों को नष्ट कर देगा। तो ये काम भी कौन करते हैं आपके, कवक करते हैं, फफूंद फंगस जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से कवक अपने काम को पूरा, आप देख रहे हो कि लाइकेन के अंदर शैवाल और कवक जिस प्रकार एक साथ रहते हैं, कवक के प्रकार बता रखे हैं आपके, शैवाल के प्रकार हैं इसमें। तो शैवाल जो है वो हमारे कवक और शैवाल दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। तो लाइकेन को बता रखा जाए तो ये सारे डायग्राम्स किसके हैं, लाइकेन के हैं। तो ये देखो शैवाल हरे कलर में आपको दिख रहा है, तो शैवाल को आपको यहाँ पे भी आपके शैवाल बता रखे हैं कि शैवाल किस प्रकार से काम कर रहे हैं। देखो ब्राउन शैवाल है, ग्रीन शैवाल, तो सारे ये शैवाल ही शैवाल दिखा रखे हैं आपके। जलीय जल के अंदर शैवाल है। लाल सागर का कारण क्या है, लाल पानी क्यों उसका, क्योंकि वहाँ पे लाल कलर का जो शैवाल है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये देखो मनुष्य ने शैवाल ही ओढ़ रखा है पूरा। ये पानी के अंदर रेड शैवाल है आपके, लाल रेड एल्गी है आपके, रेड एल्गी का चित्र है ये भी। अब देखो ये सागर पूरा लाल हो गया, क्यों, क्योंकि रेड एल्गी पाई जाती है यहाँ पे, ये ग्रीन एल्गी है। इतनी ज़्यादा शैवाल पाई जाती है, देखो लोग बाग शैवालों के बीच में निकल रहे हैं। तो शैवाल अपने आप में बहुत बड़ा प्लांट है, जाइंट यानी बहुत बड़े बड़े प्लांटों के रूप में ये पूरे तालाब को घेर के रखता है। तो ये आपके शैवाल है चित्रों में। इन चित्रों में मैंने आपके राइजोबियम जीवाणु किस प्रकार नाइट्रोजन को वातावरण से लेके और पेड़ को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करवाता है, वो सारे इन चित्रों में बता रखा है। आपको जितना समझ में आ रहा है आप समझो, इससे चित्रों को देखने से आपके दिमाग में ये क्लियर होगा कि कौन सी चीज़ किस प्रकार जाती है। जैसे देखो आप, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पेड़ को प्राप्त होती है, पर करवाता कौन है, ये बदलता कौन है नाइट्रेट के रूप में, राइजोबियम जीवाणु, यानी ऐसे जीवाणु जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन आपके बैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे देखो ये पेड़ों की जड़ों में गांठ है, ये राइजोबियम जीवाणु को बता रखा है गांठ के अंदर। तो ये क्या है कि राइजोबियम जीवाणु पेड़ को नाइट्रोजन दे रहा है और पेड़ इसको बदले में क्या देता है, भोजन, कि तू खाना खा और आराम से यहाँ पे रहे, मुझे बस नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में दिला। सारे स्टूडेंट्स, तुम्हें एनिमेशन भी मिल गया है देखने को और आगे भी तुम्हें मिलेगा, और लास्ट में मैं खुद बोर्ड पे इस चीज़ को और समझाऊंगा। अभी पोषण के आधार पे कवक, अब केवल तुम्हारे 7th क्लास के अंदर जो नाम दे रखा है वो दे रखा है ओनली कवक, 7th क्लास में केवल कवक दे रखा है, लेकिन अपना जो मेन टॉपिक है वो क्या है, सजीवों में पोषण। तो पोषण के आधार पे कवकों के कितने प्रकार होते हैं, तो मैं केवल जितना समझा रहा हूँ उतना अच्छे से समझना है, और जितना मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर जो मैच करेगा, यानी कि एनसीईआरटी के अंदर जो अपना मैटर जो मैच करेगा वो लिखना है, जैसे कि कवकों में पोषण। तो बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि कवक क्या होते हैं। तो कवक की अगर बात करें तो कवक एक, कवक को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा फंगाई, कवक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आपके, फंगाई, फंगस, ठीक। कवक एक यूकेरियोटिक जीव है। अब दो शब्द आगे कि कवक क्या है, यूकेरियोटिक जीव है, यूकेरियोटिक क्या होता है ये भी तुम्हारे लिए एक नई टर्म्स है। तो अभी हाल फिलहाल समझने के लिए ये समझो 7th क्लास के अंदर कि कवक भी एक क्या है, पादप है, और वो यूकेरियोटिक पादप है, ठीक है। यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के प्रकार है, वो हम आगे 9th क्लास में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत आप, मैंने आपको 6ठी क्लास में बताया। इसके अंदर क्या है कि किसी प्रकार की कोई पानी की व्यवस्था नहीं होती, कि पानी के लिए कोई, जैसे बड़े बड़े पेड़ों में सारी जाइलम फ्लोएम ऊतक होते हैं, संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते, इसमें हरित लवक भी नहीं पाया जाता है। कवकों की जो कोशिकाएँ जो हैं वो काइटिन की बनी होती है या सेलुलोज की बनी होती है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें कि कवकों में पाए कौन जाते हैं, तो यीस्ट हो गया, यीस्ट कवक का उदाहरण है आपके। इसके अलावा जैसे मोल्ड्स हो गए, मशरूम, जो सारे के सारे आप किस में देखोगे अभी एनिमेशन में, या तो देख चुके हो या देखोगे आप लोग, ठीक। तो ये सब क्या है, सूक्ष्म जीवों के अंदर आते हैं कवक। कवक जैसे है, एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है, पर ये क्या है कि एक कोशिकीय भी होता है, बहुकोशिकीय भी होता है। इसका जो शरीर है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो अब अपना जो टॉपिक है वो है केवल पोषण का। तो आपको ये समझना है कि भाई पोषण के आधार पे कवकों को कितने भागों में बांटा, क्योंकि अपने तीनों ही चीज़ें दे रखी हैं आपके। देखो
पोषण के आधार पर कवकों को बांटा है तीन भागों में, एक तो सहजीवी कवक, एक परजीवी कवक और एक मृतोपजीवी कवक, यानी कि सिम्बायोटिक फंगाई, परजीवी यानी आपके पैरासाइटिक फंगाई और आपके सेप्रोफाइटिक फंगाई। तो ये तीन प्रकार के कवक पाए जाते हैं। अब कवकों के लिए पहली बात तो भाई कवक पोषण के आधार पर दूसरे पर निर्भर करेगा, क्यों? क्योंकि कवक के अंदर क्या नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपना पोषण अन्य जीवों पर निर्भर करेगा। ये विषमपोषी है, हेटरोट्रॉपिक है। ये क्या करता है कि मरे हुए या जीवित कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ज़्यादातर मरे हुए से करता है, पर अगर ये किसी सहजीवी के साथ रहे तो जीवित कार्बनिक पदार्थों से। तो पोषण के आधार पर कवकों को कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में। तो पहला जो भाग है वो है आपके सहजीवी कवक यानी सिम्बायोटिक फंगाई। आपके सहजीवी कवक किसी अन्य वनस्पति के साथ उगते हैं तथा एक दूसरे को विभिन्न प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। जैसे लाइकेन दो जीवों का समूह है, लाइकेन और माइक्रोराइजा। तो ये दोनों क्या है कि दो जीवों का समूह है, जैसे लाइकेन आपके, यानी कि लाइकेन इसका उदाहरण है सहजीवी का, और दूसरा है आपके माइकोराइजा। तो ये दोनों के दोनों क्या है, दो जीवों का समूह है। दूसरा प्रकार है ये परजीवी कवक, पैरासाइटिक। परजीवी यानी कि दूसरे पे जीवन जीता है। परजीवी कवक अपने पोषण के लिए अन्य जंतु या पादपों पर निर्भर होते हैं। इस प्रकार के संबंध में ये कवक स्वयं तो क्या होता है, लाभान्वित होता है, यानी खुद को तो लाभ मिलता है लेकिन दूसरे को लाभ से कोई मतलब नहीं, परंतु पोषक जीव यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसको हानि पहुंचाता है। जैसे इसमें एक उदाहरण भी दिया आपके एंडोथिया पैरासिटिका, ये कवक का उदाहरण है जो दूसरों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जैसे हैं आपके पिक्सनिया ग्रेमिनस, अब जैसे गेहूं आदि में ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ये परजीवी कवक है। तथा एस्परजिलस या ये कैडिडा एल्बिकस, ये मानवों को क्षति पहुंचाते हैं आपके। तो ये कैसे कवक है, परजीवी है जो दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं और दूसरे जीव को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अब तीसरा टाइप का कवक है आपके सेप्रोफाइट, मृतोपजीवी। ये अपने टॉपिक है एनसीईआरटी का। सेप्रो का मतलब ही क्या होता है कि सड़ा गला, यानी कि जो चीज़ सड़ रही हो, जो ख़त्म हो रही हो, रॉटन। और फाइटा का मतलब होता है पादप, तो इसको बोलते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइटिक या मृतोपजीवी कवक से तात्पर्य क्या है कि उन कवकों से है जो अपना भोजन किसी सड़े गड़े या मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते। कुछ विशिष्ट मृतोपजीवी कवकों को मृदा क्षेत्र में उन स्थानों पर देखा जा सकता है जहाँ पे कार्बनिक पदार्थों का विघटन या डिकम्पोजर चल रहा है, जैसे कि सड़े गड़े स्थानों पर, जो ब्रेड वगैरह पर आप देखोगे, जैसे मैंने आपको फ्रूट्स वगैरह का एनिमेशन दिखाए वहाँ पर आप देखोगे। तो ये कवक क्या करते हैं, भू जैव रासायनिक चक्र यानी बायोजियोकेमिकल जो साइकिल्स होती है उनको चलाने में क्या हेल्प करते हैं। जैसे म्यूकर कवक है आपके, राइजोपस है, मार्सेला है, ये आदि क्या है, मृतोपजीवी कवक के उदाहरण हैं। तो ये तो हो गए आपके कवक। तो पहला टॉपिक आपके कंप्लीट हुआ कवक। कवक तीन प्रकार के हमने बताए हैं, किसके आधार पर, पोषण के आधार पर। पहला प्रकार क्या है आपका, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, सहजीवी, दूसरा परजीवी, और तीसरा क्या है आपके, मृतोपजीवी। तो आपके सहजीवी दे रखा है, मृतोपजीवी दे रखा है, परजीवी हमने एक्स्ट्रा बता दिया इसमें। अब है आपके लाइकेन। तो सबसे पहले आपको कवक का और शैवाल का पता होना चाहिए, तब जाके आपको लाइकेन समझ में आएगा। अब कवक तो आपने पढ़ लिया है, तो कवक में पहले में आपने पढ़ा है कि सहजीवी संबंध, यानी कि जब एक दूसरे के विभिन्न प्रकार लाभ पहुँचाते हैं, यानी कि दो वनस्पतियाँ जब एक साथ रहती है। तो लाइकेन के लिए हमें पहले शैवाल समझना होगा। शैवाल एक छोटा सा टॉपिक है आपके थैलोफाइटा। इस वर्ग के पादपों का शरीर विभिन्न विभिन्न शारीरिक संरचनाओं जैसे जड़, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होता। अब जैसे कोई पेड़ है आपके, जैसे कि ये मैंने कोई प्लांट बनाया, अब इसमें आप देख रहे हो कि ऊपर क्या है, ये पत्तियाँ हैं, ऊपर क्या है, ये पत्तियाँ हैं आपकी लीफ, नीचे क्या है, ये तना है, और इसमें क्या होगी, जड़ें होंगी ऐसे। पर ये जो होता है आपके थैलोफाइट, इसके अंदर ना तो तना होता है ना पत्ती होती, कुछ भी नहीं होती। तो थैलोफाइट क्या होता है, एक थैलेनाइक स्ट्रक्चर होता है आपके,
यानी कि इस वर्ग के पादपों का शरीर विभिन्न संरचनाओं में विभाजित नहीं होता, जैसे जड़ तना पत्तियों में विभाजित नहीं होता, बल्कि एक थैलस एक संरचना के रूप में होता है। इसमें भ्रूणीय अवस्था संवहन यांत्रिक उत्कों का अभाव होता है, अतः ये जलीय पादप होते हैं। इसमें सहायक बीजाणु यानी एसेसरी स्पोर्स के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये इतना आपको नहीं याद रखना, आपको याद रखना इतना सा कि भाई एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे। अब इसमें ना तो आप जड़ का पता लगा सकते हैं, ना तने का, ना पत्तियों का। ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से, इसमें जड़ तने का आपका पता नहीं चलेगा। तो इसलिए केवल आपको ज़्यादा नहीं देखना है, केवल समझाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें उठाई आपके लिए। अब है आपकी शैवाल किसे कहते हैं। अब शैवाल इस थैलोफाइटा का ही एक उदाहरण है, यानी वर्ग में आता है। तो शैवाल क्या है आपके, शैवाल पादप जगत के सबसे सरल स्वपोषी, शब्द को याद रखो, ऑटोट्रॉपस जलीय जीव है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है आपके, पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है तथा ये भोज्य पदार्थ को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। अधिकांशतः जो शैवाल होते हैं वो एक कोश के होते हैं, परंतु कुछ शैवाल बहुकोश के भी होते हैं। शैवाल अधिकांशतः नमी युक्त स्थान, नमी का मतलब जहाँ पे पानी वगैरह हो वहाँ पे, कीचड़, ताजे जल, औसत गर्म स्रोतों में, तालाबों में, झीलों में, नदियों में, समुद्रों में खारे समूह पाए जाते हैं। तो शैवालों के जो चित्र है वो मैंने बहुत बताया आपको, जैसे वहाँ पे आदमी उस चित्र के अंदर, जैसे कि शैवालों के अंदर बिल्कुल डूबा हुआ है, शैवालों को पकड़ के उठा के दिखा रहा है, तो शैवाल आपने देखे। शैवालों का जो अध्ययन है वो कहलाता है आपके फाइकोलॉजी। इसके अंतर्गत बर्फ़ पर उगने वाले शैवालों को बोलते हैं क्रिप्टोफाइट, और जो चट्टानों पर यानी जो पत्थरों पर उगते हैं उनको कहते हैं आपके लिथोफाइट। ठीक, अब हैं आपके, अब शैवाल आपने समझ लिया, कवक आपने समझ लिया। तो शैवाल और कवक दोनों से जो मिलके बने, यानी कि आपके शैवाल और कवक दोनों से मिलके जो बनेगा एक पौधा, उसे कह देंगे क्या, लाइकेन। यह दो पूर्णतः विभिन्न भिन्न वनस्पतियों से निर्मित एक द्वैत पादप है। लाइकेन एकल जीव नहीं है, बल्कि इसमें संयुक्त जीव है। एक कवक फंगाई और दूसरा शैवाल एल्गी परस्पर सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिस का परिणाम है। लाइकेन का मुख्य भाग तो कौन बनाता है, कवक, जो शैवाल के ऊपर एक तंतु आवरण का निर्माण करते हैं। इस सहजीवन में कवक शैवालों को जल, यानी कवक क्या क्या दे रहा है, जल, खनिज, लवण, विटामिन्स आदि मृदा से प्राप्त करवाता है, जबकि शैवाल बदले में इसको क्या देगा, कवक को, प्रकाश संश्लेषण करेगा। अब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो क्या बनाएगा, खाना, किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारी चीज़ें आपस में देन लेन चलती है, तब जाके ये सहजीवन चलता है। तो कवकों को क्या मिलता है, पोषण। कवक और शैवाल के मध्य यह सहजीवन आपके हेलोटिज्म कहलाता है। लाइकेन के अध्ययन को वैज्ञानिक शाखा जो है वो है आपके लाइकेनोलॉजी। तो इस तरीके से आपके लाइकेन, तो मैंने आपको बता दिया कवक क्या होते हैं, लाइकेन क्या होते हैं, आपको शैवाल बता दिए। अब है आपका जो एक लास्ट टॉपिक आपके दे रखा है, केवल इतना सा है हमारी बुक के अंदर, पर मैं आपको पूरा बता रहा हूँ क्योंकि ये भी है और ये भी है हमारे। देखो, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए बैक्टीरियाओं की ज़रूरत होती है। तो जो दलहनी फसलें हैं, दलहनी का मतलब आपके जो दालों वाली फसलें हैं, उन फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन ग्रहण करने के लिए उनकी जो जड़ है उसमें गांठ पाई जाती है, उसमें एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को जिस रूप में पादप को चाहिए उस रूप में बना के देता है। तो ये हो गए आपके तीनों चारों टॉपिक्स। अब बैक्टीरिया क्या होता है, जीवाणु क्या होता है, ये एक अलग टॉपिक है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में आप स्कूल में पढ़ाया जाएगा। तो ये अब इससे रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन को बदलने का काम कौन करता है, तो नाइट्रोजन को बदलने का काम करता है कौन, राइजोबियम, दिख रहा है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का नाम क्या है, आपके जीवाणु है, क्या है ये, सहजीवी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पेड़ से खाना पीना ले रहा है, पेड़ को क्या दे रहा है बदले में, नाइट्रोजन, तो सहजीवन हो गया दोनों के बीच में। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक का संबंध है, छत्रक किस में पाए जाते हैं, मशरूम, कवक में।
सामान्य खाद मशरूम क्या होता है? सघन कवक जाल, जो आप वीडियो में देखोगे। यीस्ट किसका प्रकार है? आपके कवक का। निम्नलिखित में से ब्रीडिंग के माध्यम तैयार किया जाती है, यानी किससे बडिंग के माध्यम से तैयार करते हैं यीस्ट को, ये आपके थोड़ा अलग टॉपिक है, ये भी आपकी किताब में है। लाइकेन जो कि एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किन के सहजीवी साचर है? लाइकेन बनते किससे हैं? शैवाल से और कवक से। अब ये जो शब्द है अनुक्रम, इसका मतलब क्या होता है कि पत्थर को भी क्या मिट्टी में बदल देते हैं, तो यानी कि पहाड़ों पे जब बिल्कुल जीरो से कोई नई जैव विविधता स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ये लाइकेन ब्रायोफाइटा स्टार्ट करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन से आपके कि लिटमस यानी कि अम्ल और क्षार का सूचक वो भी कौन है? लाइकेन है। निम्न इसमें प्रदूषण का संकेतक कौन यानी कि पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कौन है? आपके लाइकेन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं सारे स्टूडेंट सेवेंथ क्लास के आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है बेटा, यानी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ये लास्ट वीडियो है साइंस का। इससे पहले जो आपने अभी एनिमेशन में जो वीडियो देखा है, उस एनिमेशन वाले वीडियोस में क्या मैंने यही चीज़ें समझाने की कोशिश की। कुछ आपको डायग्राम्स वगैरह दिखे हैं, चित्र वगैरह, उनमें आपको ज़्यादातर जैसे कि एल्गी दिखी है, एल्गी का मतलब आपके शैवाल हरी कलर की जो दिखी है, और आपको जो ब्राउन या सफ़ेद या भूरी कलर की या ब्लैक कलर की जो दिखी है, जो ब्रेड पे या रोटी पे या फिर सब्जियों वगैरह है या फ्रूट्स वगैरह है, उन पे जो दिखाई दिया आपको वो क्या है बेटा? कवक है, फपूंद है, जो कि हमारी चीज़ को क्या कर रही है? ख़राब कर रही है। सड़ी गड़ी चीज़ों को वो क्या करती है? नष्ट करती है, और उनको नष्ट करके उनका क्या करती है? वो बिल्कुल पानी जैसा लिक्विड पदार्थ बना देती है, द्रव में बदल देती है, और उस द्रव को क्या करती है? चूस लेती है, और वही उसका क्या होता है? खाना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने वीडियोस में अभी अभी देखी है। बस मैं आपको इस चैप्टर की दोबारा से एक ब्रीफ दे रहा हूँ, जिससे आपको इस चैप्टर आराम से समझ में दोबारा से आ जाए। जैसे कि हमारा जो टॉपिक है, इस चैप्टर का नाम ही क्या है? सजीवों के अंदर पोषण। पोषण का मतलब आपका न्यूट्रिशन, सजीवों में पोषण, यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो जितने भी सजीव है, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप हो, तो सारे के सारे जंतु और पादप क्या करते हैं कि भोजन लेते हैं। अब भोजन लेते ही क्यों हैं? भोजन का मतलब खाना चाहिए सबको। खाने की आवश्यकता क्या है भाई? क्या नीड है खाने की कि हमें खाना खाना ही चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि हम जो भी कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। तो ऊर्जा की जो आपूर्ति है वो कहाँ से होगी? इस खाने से ही होगी बेटा। जो भी आप खाओगे पियोगे वो किस रूप में आप खाते हो? ज़्यादातर ग्लूकोज के रूप में आपके फाइनली ये मिलता है, और ग्लूकोज को जब अंदर तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के द्वारा तो बनती है ऊर्जा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कोशिका की ऊर्जा है, यानी कि कोशिका इस ऊर्जा को ही समझता है, इस ऊर्जा के द्वारा ही कार्य करता है। ये ऊर्जा बनती कैसे है वो आपके नेक्स्ट हायर क्लासेस में आपको समझ में आएगी। अभी ये समझो कि भोजन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि एक तो कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा की आपूर्ति कहाँ से होगी? भोजन से। फिर सजीवों की जो वृद्धि है, अब जैसे हम छोटे हैं बड़े हो गए, अब कोई प्लांट कोई पौधा छोटा है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो कुछ वृद्धि जो होती है हमारी वृद्धि और हमारा जो विकास होता है उन सब के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। और हमारे शरीर यानी हम किससे बने? कोशिकाओं से। यह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले कई वीडियोज़ में। तो कोशिकाओं की रिकवरी यानी मरम्मत, यानी कुछ कोशिकाएं जैसे हमारे कहीं चोट लग गई, अब चोट लग गई कोई घाव हो गया हाथ पे तो उसको भरना है वापस, तो कुछ कोशिकाओं की पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत या रिकवरी के लिए और नई कोशिकाओं को बनाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि हम जितना भी पोषण खा रहे हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे इस धरती पे जीव जंतु हो, छोटे से छोटा जीव बड़े से बड़ा जीव, बड़े से बड़ा पेड़ पौधा छोटा छोटा पादप, ये सब के सब पोषण क्यों कर रहे हैं? इन तीन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए। अब है आपके कि न्यूट्रिशन यानी पोषण को क्या बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो मूड है यानी न्यूट्रिशन की जो विधियाँ हैं वो दो है हमारे। एक तो न्यूट्रिशन है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषी पोषण,
यानी कि ऐसे जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, तो हम जानते हैं कि ऐसा कौन करता है, पेड़ और पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कि कहाँ चलती है, पर्ण हरित के अंदर कोशिका में, और किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की में। ये सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही वीडियोज में। इसमें क्या क्या आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इन दोनों को मिलाने पे क्या तैयार होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में, और एक दूसरा एक प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं ऑक्सीजन। तो ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं पादप के अंदर। दूसरा जो टाइप है न्यूट्रिशन का वो है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक का मतलब विषमपोषी, यानी कि डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं। तो हम क्या हैं, हेटरोट्रॉपिक है भाई। हम पेड़ पौधों पे निर्भर है या नहीं है, बिल्कुल है। पेड़ पौधे नहीं होते तो हमारा अस्तित्व नहीं है, क्यों, पेड़ पौधों को ही हम खाते हैं। पेड़ पौधे नहीं, इवन हम सब कुछ खाते हैं, तो हम किस पे निर्भर हैं, हमेशा अदर्स यानी कि दूसरों पर। जो भी इस धरती का सजीव दूसरों पर निर्भर है भोजन के लिए, वो क्या कहलाएगा, आपके विषमपोषी और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएगा वो, ठीक है। अब है आपके, जो मैंने आपको बता दिया पर फिर भी दोबारा बता रहा हूँ, हेटरोट्रॉपिक प्लांट, या फिर दूसरा इनका जैसे हमने इसमें एक टाइप देखा है पैरासाइटिक प्लांट, अमरवेल। अब अमरवेल का मैंने आपको अच्छे से पहले वाले जो वीडियो उसमें बता दिया कि अमरवेल किस तरीके से किसी पादप पे पूरी तरीके से उसको ढक लेती है, और उससे चूस चूस के जो आपके हॉस्टेरियल जो रूट्स है, हॉस्टेरियल जो जड़ है, उससे क्या करती है, भोजन को चूसती है, सक करती है। क्यों, क्योंकि इस अमरवेल प्लांट के अंदर क्या, पर्ण हरित क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो ये दूसरे के बने हुए भोजन को क्या करती है, सक करती है, चूसती है। फिर है आपके इंसेक्टिबोरस। इंसेक्ट्स का मतलब होता है बेटा कीड़े मकोड़े, तो इंसेक्टिबोरस यानी कि ऐसे जो इंसेक्ट्स को यानी कि कीट को खाते हैं, तो इनको बोलते हैं कीट बक्षी पादप। तो नाइट्रोजन यौगिक के अभाव को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स यानी कीटों को खाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका ड्रोसेरा है, यूट्रिकुलेरिया है, आपके नेफ्थीज है, पिक्चर प्लांट है, वीनस फ्लाइट्रिप है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है और नोट्स में आपको मिल गए हैं। फिर हैं आपके आपके स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट्स जो होते हैं आपके प्लांट, वो होते हैं आपके मृतोपजीवी वनस्पति, यानी कि ऐसी वनस्पति जो सड़ी गड़ी वस्तुओं को क्या है, अपना भोजन बनाती है। अब आपको बताया कि कोई भी चीज़ सड़ रही है, गड़ रही है, वो आपको वीडियो में पता भी चल गया होगा। उन सबको बिल्कुल पानी जैसा लिक्विड बनाकर उसको क्या है, उसमें से न्यूट्रिशन को निकाल लेती है। कौन, आपकी कौन सी वनस्पति, आपके स्पोरोफाइटिक वनस्पति या मृतोपजीवी वनस्पति। इनके उदाहरण आपके सजीवों के सड़े हुए मृत अवशेषों पर ये निर्भर करती है, फफूंद है, कवक है, मशरूम है, जीवाणु इत्यादि, ये सब क्या है आपके स्पोरोफाइटिक। अब इनका दूसरा नाम है बेटा डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स का मतलब ये पृथ्वी के क्या हैं, सफाई कर्मी है। आपको बताएं घर में गंदगी हो गई तो कोई ना कोई सफाई करेगा, ठीक। इसी तरीके से पृथ्वी पे जो भी सड़ रहा गड़ रहा है, जैसे कोई आपके आसपास आपने देखा होगा गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कोई मर जाते हैं, तो आप सड़क के किनारे उसको देखते पड़े हुए, एक महीने देखोगे, 15 दिन देखोगे, उसके बाद उसकी हड्डियाँ भी आपको नजर नहीं आएगी, कहाँ गया वो, ये सब उस पर बैठे उसको क्या हुआ, खा गए सब के सब। फिर आपके एक टॉपिक दे रखा है कवक, तो मैंने आपको बता ही दिया कि कवक किसे कहते हैं। फिर हैं आपके शैवाल। शैवाल क्या है, हरित लवक युक्त एक थैलॉइड स्ट्रक्चर है। थैलॉइड का मतलब इस टाइप से थैला टाइप स्ट्रक्चर है, जो कि पृथ्वी पे पाए जाते हैं हरे हरे, जो आपको वीडियोस के एनिमेशन में काफ़ी दिखे होंगे शैवाल, ठीक है, एलगी से बोलते हैं। अब हैं आपके लाइकेन। लाइकेन क्या बेटा, कवक और शैवाल का मिला जुला रूप है, ये कोई अलग से पौधा नहीं है, इन दोनों का मिला जुला रूप, जो दोनों एक साथ जब दिखाई दें तो उसको बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन का मतलब सहजीवी का उदाहरण ये। अब क्या होता है कि दो जीव जंतु एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, पर क्यों रह रहे हैं दोनों जीव जंतु एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। लाइकेन के अंदर क्या है कि कवक, कवक के अंदर मैंने बताया कि कवक जो होते हैं इनके अंदर क्या नहीं होता, पर्ण हरित क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो कवक क्या करता है, इस शैवाल के अंदर देखो मैंने अभी अभी लिखा है कि शैवाल के अंदर हरित लवक युक्त थैलॉइड संरचना है, तो शैवाल के अंदर क्या हरित लवक पाया जाता है। सो शैवाल इस कवक के ऊपर आराम से बैठता है, कवक इसको रहने का स्थान देता है, जल देता है, पानी, न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ देता है, और बोलता है देख मेरे पास तो फोटोसिंथेसिस करने की जो मशीन है ना वो नहीं है, मशीन का मतलब हरित लवक मेरी कोशिकाओं में तो है नहीं, तेरे पास है, अगर तू मुझे भोजन दे देता है तो तू मेरे पास रह सकता है।
तो कवक के साथ में शैवाल का इस प्रकार रहना क्या कहलाएगा? सहजीवन, यानी कि दोनों के जीवन के लिए क्या है? जरूरी है। तो इसको बोलते हैं बेटा सिम्बायोसिस। ठीक है, एक चीज और है कि लाइकेन जहाँ भी पाए जाते हैं बेटा, लाइकेन क्या है? प्राकृतिक सूचक है, यानी कि ये पृथ्वी के अंदर इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे प्रदूषण कम है। अब आपको पता है अगर प्रदूषण ज़्यादा होगा तो लाइकेन की वृद्धि क्या होगी? कम होगी, हरियाली कम हो जाएगी उस जगह की। तो इनको प्राकृतिक या नेचुरल इंडिकेटर भी कहते हैं पॉल्यूशन के। अगर पॉल्यूशन खासकर जहाँ पे SO2 गैस का प्रदूषण ज़्यादा होगा, कौन सी गैस का? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इस गैस का अगर प्रदूषण कहीं ज़्यादा है तो लाइकेन की मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, वहाँ की हरियाली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम। तो लाइकेन अगर कम हो गए तो समझ लो आपकी वहाँ पे प्रदूषण, यानी कि पृथ्वी पे उस जगह पे प्रदूषण ज़्यादा बढ़ गया। अब लाइकेन में केवल कवक और शैवाल का ही जोड़ा नहीं आता, कवक शैवाल हो सकते हैं, शैवाल जीवाणु हो सकते हैं, शैवाल ब्रायोफाइटा हो सकते हैं, कवक और ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जस्ट इससे ऊपर वाली कैटेगरी है बेटा, ये भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें जड़ तना पत्ती को हम अलग अलग नहीं देख सकते कि ये जड़ है ये तना है पत्ती, एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलस थैला टाइप, तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये पूरा पूरा क्या पादप है। तो इस तरीके से आपके ये मैंने पूरा रिवीजन करवाया। एक लास्ट टॉपिक है आपके कि राइजोबियम जीवाणु क्या है। ये लेगुमिनेसी कुल जो होते हैं उनके पौधों की जड़ों में ये पाया जाता है ये बैक्टीरिया, और ये क्या करता है कि भूमि से नाइट्रोजन क्या है कि गैसीय फॉर्म में पाई जाती है। आपको पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 72%। पर पेड़ पौधों को ये नाइट्रोजन विलय रूप में चाहिए जड़ों में, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं अपनी जड़ों में इस राइजोबियम को बोलते हैं, बोले तू हमारी जड़ों में रहे आराम से और हम तुम्हें क्या करेंगे कि खाना पीना देंगे, लेकिन बदले में तुम हमें नाइट्रोजन विलय के रूप में उपलब्ध करवाओ, यानी कि जल के साथ विलय यानी पैकेट्स बना के हमें दो। तो ये भी क्या है आपके सिम्बायोसिस है, सहजीवन है, यानी कि सहचारी है, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं? सहजीवी जीवन या सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ठीक, तो इस चैप्टर में जो भी चीज़ें थी शुरू से लेके फाइनल तक आप सारे वीडियोज़ देखोगे, 2 या 3 वीडियोज़ हैं आपके, तो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई कंपटीशन का स्टूडेंट भी इसको देख रहा है तो अभी ये चीज़ें छोटी लग रही हैं आपको, लेकिन यही चीज़ें आपको जब एग्ज़ाम में आती तो समझ में नहीं आती कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। जैसे कि लाइकेन क्या है, कवक क्या है, शैवाल क्या है, इसका आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो तुम लोग। कवक क्या है? डीकम्पोजर है। कवक एक अलग चीज़ है, शैवाल अलग चीज़ है, लाइकेन दोनों का मिला जुला क्या है? रूप है। ठीक, तो इस तरीके से तुम इस चीज़ को समझ सकते हो। सारे वीडियोस देखो इस चैप्टर के। अब जो नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाऊंगा वो तो तुम्हें पता है कि आईपैड पे डायरेक्ट बनाऊंगा मैं, देखूंगा नहीं उसमें तुम्हें, लेकिन ये मैंने इसलिए बनाया कि तो सारे स्टूडेंट जितने भी जो भी क्लास का मेरा ये वाला वीडियो देख रहा है, मैं पहले ही बता देता हूँ कि सारे स्टूडेंट इस चीज़ को पढ़ो, क्योंकि अब जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ वो एक एक पॉइंट को बहुत हिसाब से लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। स्कूल में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं तुम्हें दोबारा ये चीज़ें समझा पाऊँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करो, लिखो इनको, इनको लिखोगे तो ये समझ में आएगी। खासकर 7th क्लास के अंदर जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको बोल रहा हूँ मैं, जैसे मुझे दीपिका का कोई काम नज़र नहीं आ रहा है, सोनाली मनीष तो चलो कल स्कूल आए थे उनका तो पता है मुझे, बाकी और भी है, कृष्णा का काम देखो मैंने कल देखा बहुत अच्छा काम है। तो कुल मिला के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका काम बहुत अच्छा है, बाकी मैं क्लासेज में ये चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, ये चैप्टर ख़त्म, मतलब पहला चैप्टर ख़त्म। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को लाइक करते हो तो उसमें कमेंट भी करो, सर ये चीज़ नहीं आई समझ में आया तो उसमें लिखो। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना है और चैनल को क्या करना है तुम्हें? सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब बच्चों तक पहुँचा दो जो अपने स्कूल के बच्चे हैं, और भी कोई 7th क्लास का बच्चा तो उस तक भी पहुँचा दो। ठीक है। देखो सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब ये लास्ट एक बार बुक की रीडिंग करने से आपके सारे टॉपिक और क्लियर हो जाएंगे और ये चैप्टर आपका आज ख़त्म है। अब नेक्स्ट चैप्टर चलेगा इसके बाद में, इसलिए ध्यान से इसको रिवीजन को देखो आप लोग। सारे स्टूडेंट एक एक टॉपिक को दोबारा देख लो जिससे आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में इस चैप्टर में हमारे टॉपिक हो गए थे ख़त्म है आपके, कीट पक्षी पादप और परजीवी पादप। अब जो हमारा टॉपिक है वो है आपके मृत जीवी।
स्पोरोफाइट्स, आपने बाजार में छत्रक मशरूम आपने क्या देखा होगा, इस टाइप से छत्रक देखा होगा, सड़ी गड़ी चीज़ों के ऊपर एक छत्रक टाइप स्ट्रक्चर होता है, ऐसा छत्रक टाइप स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, बिकते देखे होंगे वर्षा के दिनों में वृक्ष बिकते हुए देखे होंगे, और वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गड़ी टूटी टहनियों अथवा तनों छाल छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे आपने देखे होंगे वाइट वाइट कलर के। जीवन यापन हेतु पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है इन्हें, वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं से कैसे प्राप्त करते हैं वो हम देखेंगे। इन प्राणियों में मुख नहीं होता, हरे पादपों के समान भी नहीं होते ये, इसमें क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है, अतः प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। तो इनको क्या, यानी कि उनको ये भोजन के रूप में देखते हैं। जैसे देखो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपको, ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, छत्रक के पैकेट सड़ी गली वस्तुओं पर उगा हुआ छत्रक। इसके अलावा जैसे ब्रेड है, डबल रोटी जो हमारे घरों में ब्रेड वगैरह रोटी वगैरह खाते हैं, उनके टुकड़ों को लेके ऐसे जल में भिगो लें, एक प्रैक्टिकल के रूप में बता रहे हैं। जैसे आपने कोई रोटी या कोई टुकड़ा, तो आप कुछ दिनों बाद देखते हो, 2 से 3 दिन बाद जब जल में भिगी हुई रोटी को आप बाहर निकाल के रखते हो, 2 से 3 दिन के बाद उस पर देखते हो, तो रुई जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, रोएं जैसी संरचनाएँ उसमें दिखाई देने लगती है। ये संरचनाएँ सफ़ेद हरे भूरे यानी किसी धब्बों के रूप में हो सकती है, किसी आवर्धक लेंस, आवर्धक का मतलब किसी लेंस जिससे आकार को बड़ा किया जा सके, या सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इसका अवलोकन करें और हम देखें तो हमें ये धागे जैसी संरचनाएँ कुछ इस टाइप से दिखती है। देखो ये इस टाइप से, तो ये जो धागे जैसी संरचनाएँ जो दिख रही हैं आपको, ये धागे जैसी संरचनाएँ क्या है, ये एक जीव है जिसे कवक या फंजाई कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली, पोषण विधि थोड़ी भिन्न होती है। ये मृत जो मर चुके हैं, डिक्लाइंग हो गए वो, या विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं के जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्रावण करते हैं, और स्त्रावण करके उनको और विघटित करते हैं, जिससे वो बिल्कुल जूस टाइप में बन जाते हैं। फिर उसका क्या करते हैं, ये अवशोषण करते हैं। ये देखो ब्रेड को, बिल्कुल देखो ये ब्रेड है, इसको हमने 2-3 दिन पानी डाल के 2-3 दिन के लिए वैसे ही छोड़ दिया, सड़ना करना शुरू हो गया। इस पर ये देखो, ये जो पीला पीला स्ट्रक्चर है ये क्या है, कवक है। और कवक यहाँ पे किसकी भूमिका निभा रहा है, आपके मृतोपजीवी जीव जंतु का, यानी कि मृत पदार्थों को खाने वाले जीव जंतु, तो ब्रेड पर उगती हुई कवक। ठीक है, बिलियन के भोजन, यानी जो बिलियन बन जाता है उसको भोजन के रूप में ये क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, चूसते हैं। इस प्रकार पोषण प्रणाली को जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से अवशोषित तत्व प्राप्त करते हैं, ये मृतजीवी पोषण कहलाती है इस प्रकार की पोषण प्रणाली। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जो जीव जंतु ने होते हैं उन्हें कहते हैं मृतजीवी या स्पोरोफाइट्स, इनको बोलते हैं बेटा स्पोरोफाइट्स, ये स्पोरोफाइट्स होते हैं। जैसे कि कवक फंजाई है, अचार चमड़े कपड़े व अन्य पदार्थों पर उगते हैं, ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो नम व उष्ण होते हैं। नम व उष्ण का मतलब क्या है, कहीं नमी हो जाती है हल्की फुल्की। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति है। बरसात में आप देखते हो सांप की छतरी, सर्प जो होता है उसकी छतरी, जैसे हमारे गाय भैंस का हम जो गोबर जहाँ भी कहीं डालते हैं, तो गोबर जहाँ डाला जाता है उस स्थान को हमारे गुड़ा बोलते हैं, तो उस स्थान पे आपने देखा कि ये बहुत ज़्यादा आपको उगी हुई दिखती है। तो वर्षा ऋतु के कारण अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट होती है और अनुपयोगी हो जाती है। ये आप आपके घरवालों से या मेरे से पूछ सकते हैं जो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ, यानी अब ये कवकों के जो बीजाणु है वो वायु में क्या उपस्थित होते हैं, और जब ऐसे जो खराब हो रहा उत्पाद उस पर जब ये बैठते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। नम व उष्ण होते हैं तो वहाँ पे वो अपने आप को क्या करते हैं, बीजाणु ये क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। तो कवक क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को ख़राब भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई सब्जी है या अचार है, अब उसको आपने 2-5 दिन बाद देखा तो वो सड़ रही गड़ रही है, उस पर रुई जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो कवक ही होता है, फंगाई उसको बोलते हैं। इसके बाद में एक आता है आपके कि कुछ जीव जंतु एक दूसरे के साथ रहते हैं
और अपना आवास व पोषण एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अब देखो कुछ जीव जंतु क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, और एक क्या करता है, बोलता है ये मेरा घर है, इसमें तू रह आराम से। दूसरा कहता है ठीक है, अगर तू मुझे यहाँ रहने देगा तो मैं तेरे को खाना दूंगा। मतलब कुछ इस तरीके से उनके बीच में क्या होती है, सामंजस्य होता है। तो कुछ जीव जंतु एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास, अपना रहने का ठिकाना और जो पोषण वो बनाते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, बांटते हैं। ऐसे संबंध को बोलते हैं सहजीवी संबंध, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक और निजम होते हैं। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में कवक उन्हें जल व पोषकों के अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कोई पेड़ है, अब इस पेड़ की जड़ में क्या होगा कि कुछ कवक रहेंगे यहाँ जड़ में, इस जगह रहेंगे। अब ये क्या करेगा, पेड़ से खाना लेगा रहने का, और इस पेड़ को बोलेगा, बोले मैं तेरे को खनिज लवण वगैरह ये सब चूस सांस के दूंगा तेरे को, तो ये खाना बनाएगा। क्योंकि कवक के पास में क्या है कि क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्लोरोफिल जब इसके पास में नहीं होता तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, और जब ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा तो क्या होगा, इसमें भोजन नहीं बनेगा, और जब भोजन ही नहीं बनेगा तो भोजन नहीं बनेगा तो ये जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए ये क्या करता है कि जो ये काम कर सकता है वो ये खुद करता है, बाकी दूसरे से अपना भोजन प्राप्त कराता है। तो वृक्ष के इस संबंध को हम विशेष महत्व के साथ अगर हम देखें तो वृक्ष का ये जो संबंध है, ये संबंध क्या कहलाता है, इस संबंध को बोलते हैं लाइकेन के रूप में हमें देखने को मिलता है। कुछ जीवधारियों में भागीदारी होती है, जैसे कि एक शैवाल है, शैवाल तथा दूसरा जीव है इसमें आपके कवक। अब शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो शैवाल में अगर क्लोरोफिल पाया जा रहा है तो ये कन्फर्म क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और जब ये प्रकाश संश्लेषण करेगा तो ये क्या करेगा, भोजन बनाएगा, और ये भोजन बनाएगा तो ये अपना काम पूरी तरीके से करेगा। लेकिन इसको प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें कहाँ से प्राप्त हो जाएगी, इसको कवक से। कैसे, देखो दूसरा कवक है, अब शैवाल क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को, देखो इस लाइन को ध्यान से देखो, कि कवक शैवाल को रहने का स्थान प्रदान करता है। कवक शैवाल को रहने के लिए क्या दे रहा है, स्थान दे रहा है, जल पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, तथा बदले में शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाद्य पदार्थ कवक को देता है। यानी कि अब कवक ने कहा कि भाई मैं रहने को घर दे रहा हूँ तेरे को, और जो भी तुझे खाना बनाने की वस्तुएं चाहिए वो सारी तू बना ले, क्योंकि खाना बनाने की जो मशीन है वो तेरे ही पास है। क्या है, खाना बनाने की जो किचन होती है साइंस की भाषा में, उसे क्या कहते हैं, आपके हरित लवक क्लोरोफिल, जो किसके पास है, आपके क्लोरोफिल किसके पास है, शैवाल के पास। तो कुल मिला के शैवाल इनसे ये सब कुछ प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या तैयार करता है, खाद्य पदार्थ, और इस खाद्य पदार्थ को कौन ले लेता है, इससे कवक। तो इस तरीके से दोनों का ही काम चल जाता है। तो इस तरीके से जब दो जीव एक साथ रह रहे हैं तो इसको भी क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। तो लाइकेन कोई अलग से पौधा नहीं है, लाइकेन मिला जुला रूप है किसका, शैवाल का, और किसका है, कवक का। इन दोनों को मिला के अगर एक साथ कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपके लाइकेन हो जाएगा। अब है आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। क्या आपने कभी किसानों को अपने खेतों में या माली को बगीचे के लॉन या गमलों में खाद या उर्वरक डालते देखा है, बिल्कुल देखा होगा। जब भी हम खेती करते हैं तो उसमें क्या खाद डालने के लिए हम जाते ही हैं, और ये सारी चीज़ें हम मृदा से खनिज पोषक तत्वों के अवशोषित करते हैं हमारे पादप, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक में खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। पादपों के द्वारा लगातार उपयोग में किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती, कम होने लगती है। हम आपको बताएं कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ये इनिशियली तत्व है, यानी बहुत ज़रूरी है पादप की वृद्धि के लिए। तो पादप क्या करता है, जो सॉइल होती है मिट्टी, उससे लगातार इनको क्या करता है, अवशोषित करता रहता है। तो अब इनकी पूर्ति के लिए क्या, हमें खाद देना पड़ेगा। इसलिए मृदा में इन पोषक तत्वों को समृद्ध करने के लिए भूमि में किस क्या क्या देना पड़ता है, उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को हम उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं।
अब पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः कौन सा तत्व चाहिए? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के बिना प्रोटीन बनना संभव नहीं है। जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उनसे प्रोटीन बनती है, हर अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन का होना जरूरी है। फसल की कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, यद्यपि वायु में नाइट्रोजन 90 जिसे मृदा में हम देखते हैं वहाँ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन 72% वायुमंडल में नाइट्रोजन है, पर वो पादपों के काम की नहीं है। पादप इसका उपयोग करने में असमर्थ हैं, जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड को सीधा ले लेते हैं रंध्रों के द्वारा, तो पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। विलेय का मतलब जल के साथ घुली हुई। तो कुछ जीवाणु हैं जैसे राइजोबियम जीवाणु कहलाते हैं, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये चना मटर मूंग सेम आदि अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, और अधिकतर दालें या फलीदार जो पौधे होते हैं उनसे क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बदले में राइजोबियम जीवाणु जो है वो आवास यानी पेड़ की जड़ों में रहने के लिए अपना घर तथा उस पेड़ की जड़ से क्या प्राप्त करता है? खाद्य पदार्थ। उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसान के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, अगर राइजोबियम जीवाणु काम कर रहा है तो। इस अध्याय में अधिकतर जितने भी हमने पढ़े हैं वो स्वपोषी होते हैं। बहुत ही कम पादप जो है अन्य पर निर्भर करते हैं, जैसे परजीवी है, मृतजीवी है। परजीवी मृतजीवी एक दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर है? पादप पे। अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपके सारे के सारे जितने भी इसमें टॉपिक थे चैप्टर में उन्होंने क्लियर करवा दिए हैं। लास्ट में एक लाइन और दे रखी है, कीट बक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं। आंशिक का मतलब बेटा देखो, ये फोटोसिंथेसिस करके ये पौधे क्या करते हैं? खाना तो खुद बनाते हैं, पर ये कीट बक्षी पौधे ऐसी जगह पर होते हैं दलदली भूमि पर जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है मिट्टी में। अब जब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी तो ये क्या करेंगे? किसी भी कीट को पकड़ के खा जाते हैं, और कीट से क्या निकालते हैं? नाइट्रोजन। तो खाना तो ये खुद ही बनाते हैं, लेकिन ये कीड़े मकोड़ों को क्यों खाते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। अब नाइट्रोजन किसके लिए ज़रूरी है? प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। तो आंशिक विषमपोषी कहा गया। आंशिक का मतलब पूरी तरीके से विषमपोषी नहीं है, ये खाना तो खुद ही बना लेते हैं पर अपनी कुछ चीज़ों की पूर्ति करने के लिए कीड़ों मकोड़ों को भी ये पकड़ते हैं। इंसेक्टिवोरस इन्हें कहते हैं, कार्निवोरस, जो मैंने आपको आराम से पढ़ा दिया है। तो इस तरीके से ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है आपका। तो बेटा ये चैप्टर आपके सबके कंप्लीट हो गया है। आप चैनल पे जाके इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, क्योंकि मैंने जितने तरीके से समझा सकता हूँ इस चैप्टर को मैंने आपको समझा दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोज़ को, कमेंट करो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो। बाकी